महाराष्ट्र में हुआ उलटफेर के बाद अब कयास लगाया जा रहा है कि जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अब जो 2022 के यूपी विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले रालोद यानी कि जिसको राष्ट्रीय लोकदल कहा जाता है उसमें जो जयंत चौधरी है वो भाजपा के साथ आ सकते हैं। सोर्सेस की माने तो जयंत चौधरी ने रविवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात करी। 2 घंटे चलने वाली इस मीटिंग में जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने पर बात करी गई। वहीं एक और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी अपने यूपी के दौरे में कहा कि आने वाले टाइम में जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जयंत चौधरी जो ऑपोजिशन की जो मीटिंग हुई थी पटना में विपक्षी एकता को लेके उससे भी दूर रहे थे और उन्होंने ये कह के दूरी बनाई थी कि उनको एक फैमिली फंक्शन में इन्वॉल्व होना है। यही नहीं, 1 जुलाई को अखिलेश यादव के बर्थडे पर भी जयंत चौधरी ने उनको ट्वीट करके बधाई नहीं दी। अब अगर सोर्सेस की माने और सच में ऐसा होता है कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होते हैं तो विपक्षी एकता को ये दूसरा झटका लगेगा महाराष्ट्र के बाद और इससे बीजेपी पश्चिम यूपी में और स्ट्रांग हो जाएगी और इसके साथ साथ इसका असर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में रहने वाले जो जाट वोटर्स हैं उसके ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा।